हे गाइस, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज जो है मेरे पास जो है फायरबॉल का रिंग 3 वाला स्मार्ट वॉच है एंड मैं जो है इसको अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूँ। एंड उससे पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, डेफिनेटली अभी के लिए मैं आपको सब्सक्राइब एंड लाइक करने के लिए नहीं बोलूंगा, वो तो आप डेफिनेटली वीडियो देख के कर ही दोगे। बट अगर आप इस वीडियो को देखने से पहले किसी और रिंग 3 का वीडियो देख के आ रहे हो फायरबॉल का, तो डेफिनेटली एक बार चेक कर लेना। अगर वो वीडियो 9 महीना 6 महीने के ऊपर है तो डेफिनेटली गाइस अभी के लिए वो वीडियो को इग्नोर कर दो, क्योंकि वो सभी वीडियोस में जो है इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है अभी के लिए। क्योंकि अगर अभी आप फायरबॉल का रिंग 3 खरीदने जा रहे हो तो जो है आपको वो वाला स्मार्ट वॉच देखने को नहीं मिलेगा। चेक कर लेना जितना भी पुराना वीडियोस होगा उसमें जो है फायरबॉल के जो वॉचेस होंगे उसके ऊपर जो विराट कोहली का जो है पिक्चर लगा होगा, बट जो न्याय वाला होगा उसके ऊपर जो आपको धोनी का पिक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो एक बार कंसिडर करना, क्योंकि अगर जब आप खरीदने जाओगे इस टाइम पे इस महीने का ही मैं ऑलमोस्ट बातें वगैरह कर रहा हूँ, आगे पीछे होगा, इसमें जो है आपको धोनी का पिक्चर वाला जो है बॉक्स देखने को मिलेगा फायरबॉल रिंग 3 का। तो चलो इसको अनबॉक्स करते हैं, उसके बाद इसका रिव्यू एंड टेस्टिंग वगैरह करेंगे, देखेंगे कि ये जो है कितना बेटर है, कैसा जो इसका काम वगैरह, इसका अकॉर्डिंग कॉर्डिंग जो है कैसा है, सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिंग से तो आपको पता लग ही चुका होगा कि ये जो है फायरबॉल का एक कॉलिंग स्मार्ट वॉच है। ठीक है, एंड 1.8 इंच का इसका डिस्प्ले है, 118 इसमें स्पोर्ट्स मोड है, ब्लूटूथ कॉलिंग है, वॉइस असिस्टेंट है एंड IP67 जो है ये वाटर रेजिस्टेंट भी है। तो काफ़ी सही सा स्मार्ट वॉच है मेरे पास। मैंने जो ऑलरेडी एक फायरबॉल का स्मार्ट वॉच इस्तेमाल भी कर रहा हूँ जो कि अपने मम्मी को मैंने दिया है। तो चलो इसको ओपन करते हैं एंड देखते हैं इसके अंदर जो और ज़्यादा जो डिस्क्रिप्शन वगैरह है वो क्या क्या है। तो जैसे कि गाइस देख सकते हो यहाँ पर जो साफ साफ लिखा गया है कि ये स्मार्ट वॉच का जो डिस्प्ले वगैरह है, स्पीड मॉनिटरिंग है, ब्लूटूथ कॉलिंग आता है, क्योंकि ये जो रिंग कैटेगरी मतलब रिंग सीरीज का, तो डेफिनेटली इसमें जो कॉलिंग होगा, हार्ट रेट ट्रैकिंग है, स्मार्ट नोटिफिकेशन है, म्यूजिक कंट्रोल है, इनबिल्ट कुछ गेम्स है जैसे कि फायरबॉल का हर कोई स्मार्ट वॉचेस में कुछ इनबिल्ट गेम्स वगैरह रहता है, इनबिल्ट माइक एंड स्पीकर है, वो हम लोग चेक करेंगे कि इसका माइक एंड स्पीकर का क्वालिटी वगैरह कैसा है, एंड कैमरा कंट्रोल है जो कि बहुत रेयर इस्तेमाल होता है। MRP लिखा गया है 9,999 एंड ये जो एक पर्ची ऊपर से चिपकाया गया है fireball.com लिखा गया है यहाँ पर, एंड कुछ जो है इस तरीके से जो है आपको ये स्मार्ट वॉच का बॉक्स जो है दिखने को मिलता है। तो चलो अब जो है इसको ओपन करते हैं, देखते हैं कि जो है इसके अंदर भी जो है हम लोग को क्या क्या चीज़ें देखने को मिलता है। तो बॉक्स जो है कुछ इस तरीके से ओपन होता है एंड इसके अंदर जो है आपको सबसे पहले एक यूज़र मैनुअल देखने को मिलता है एंड इस यूज़र मैनुअल के बाद जो है आपको यहाँ पर स्मार्ट वॉच देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये रहा वो स्मार्ट वॉच, इसको बाहर निकालते हैं एंड फायरबॉल जो है आपको कोई अलग से डेडिकेटेड और मतलब दूसरा स्टैप जो है प्रोवाइड नहीं करता है, काफ़ी स्मार्ट वॉच जो है ये प्रोवाइड करते हैं, ये जो है काफ़ी हेल्पफुल होता है गाइस। तो ये रहा इसका स्मार्ट वॉच एंड ये रहा इसका बॉक्स एंड उसके अंदर जो है आपको पोको पिन चार्जर देखने को मिलता है। मैंने देखा है फायरबॉल एंड बोट का जो पोको पिन चार्जर्स वगैरह है वो थोड़ा अलग अलग किस्म का दिखता है, तो एक का पोको पिन चार्जर जो दूसरे में लगता नहीं है, ये काफ़ी दिक्कत। अगर सभी स्मार्ट वॉच का पोको पिन चार्जर जो सेम होता तो वो काफ़ी बढ़िया रहता। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको कुछ जो है कार्ड्स वगैरह मिलता है, ठीक है, फ्री बुक माई शो वाउचर अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, किसी एक को शायद तो डेफिनेटली मिलेगा, मैं तो लेने वाला है। यहाँ पर और भी कुछ है ऑन द एक्सक्लूसिव कुछ चीज़ें जगह वगैरह है, बोल्ट प्ले ऐप एंड इसके साथ साथ यहाँ पर फायरबॉल्ट का जो है कुछ और भी चीज़ें, 1 ईयर का वारंटी देखने को मिलता है, वारंटी कार्ड है एंड उसके बाद यहाँ पर जो है आपको गाना का भी जो है शायद 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गाना प्लस का जो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, तो ये भी जो है आप चाहो तो क्लेम वगैरह कर सकते हो। तो ये जो है कुछ चीज़ें वगैरह जो आपको इसके साथ देखने को मिलता है। सो गाइस ये वॉच जो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हो पीछे जो इसका सेंसर्स वगैरह है एंड सामने जो एक यहाँ पर स्टिकर लगा के है, तो इसको हम लोग उतार देते हैं एंड आपका फाइनल वॉच जो है कुछ इस तरीके से दिखता है। पता नहीं स्क्रीन उतरने के बाद भी जो मुझे थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर धूल वगैरह देखने को मिल रहा है, तो आई होप वो जो है चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसका। बट यहाँ पर जो है ये वॉच जो है आप देख सकते हो काफ़ी हद तक जो है एप्पल वॉच AC से जो है मिलता जुलता है एंड सर वो ने इसका स्ट्रैप भी जो है काफ़ी वैसा ही आप देख सकते हो। इसका स्ट्रैप को जो है आप ऐसे निकाल के फिर से अगर आप चाहो तो कोई दूसरा स्ट्रैप भी जो लगवा सकते हो, कोई भी जो है मतलब इस साइज़ का स्ट्रैप जो है इसके अंदर आराम से फिट हो जाएगा, तो ये एक काफ़ी अच्छा चीज़ है। ऊपर में यहाँ पर इस सिल्वर का शाइनिंग प्रोटेक्शन के लिए जो है यहाँ पर एक पर्ची लगाया गया है जिसको भी हम लोग जो हटा लेते हैं,
तो जो है हम लोग का भी जो है वॉच का जो है असली चीज जो है देखने को मिल जा रहा है। अब ये जो है इसका स्ट्रैप जो है कुछ ऐसे होने के लिए जो है आप इस वॉच को अगर ऐसे रखोगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बट मैं आपको कह दूँ इसका जो ये स्ट्रैप है वो जो है काफ़ी नरम है। मतलब नॉर्मल जो स्मार्ट वॉचेस का स्ट्रैप होता है, मतलब फायरबोल्ट का ही मैं दूसरे स्मार्ट वॉचेस के बारे में बात कर रहा हूँ, उससे भी जो है ये काफ़ी नरम है। ठीक है, आपको यहाँ से ही पता चल रहा होगा ये जो स्ट्रैप है काफ़ी नरम है एंड स्ट्रैप का क्वालिटी जो है मुझे सच में काफ़ी प्रीमियम सा लगा है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रैप है सच में गाइस काफ़ी नरम है, तो आप इसको आसानी से जो ऐसे बैंड वगैरह कर सकते हो, कोई जो दिक्कत नहीं हो रहा होने वाला। तो आप देख सकते हो मैं इसको जो ऐसे करके रख सकता हूँ, कोई जो दिक्कत ही नहीं हो रहा। ठीक है, ये जो है आराम से अब मेरे हाथ में जो है बैठा हुआ है। ठीक है, तो चलो इसको अब जो है हम लोग पावर ऑन करते हैं एंड देखते हैं कि वॉच जो है कैसा रिस्पॉन्स वगैरह करता है। सो गाइस फायरबोल्ट के लोगों के साथ जो है हम लोग का वॉच जो है अभी टर्न ऑन हो गया है एंड आप देख सकते हो अभी जो है ये वॉच जो है ऑन भी हो गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऑन करते हैं फिर से एक बार एंड अभी जो है रोटेटेबल बटन जो है कुछ काम तो कर नहीं रहा फिलहाल, तो प्लीज़ ट्राई अगेन आफ्टर पेयरिंग। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि भाई पेयरिंग के बाद जो है आप कोशिश करो फिर से। ऊपर की ओर जो है आपको कुछ ऐसा चीज़ें देखने को मिलता है, यहाँ पर जो है आप देख सकते हो हनीकॉम भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो है हम लोग सब कुछ जो है चेंज वगैरह करेंगे एंड देखेंगे कि गाइस ये जो है कैसे जो है काम वगैरह करता है। ठीक है, तो अभी जो है ये चेंज वगैरह हो नहीं रहा बेसिकली, तो फिर से एक बार हम लोग चेक करते हैं। तो ये बोल रहा है कि भाई आपका जो है बैटरी है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इसको हम लोग जो है पहले चार्ज कर लेते हैं। तो इस पोगो पिन को जो कुछ जो है इस तरीके से आप जो है अपने वॉच के साथ लगवा सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो ये जो है लग गया है एंड ऑब्वियसली ये जो है चार्ज पे आ गया है। मैंने देखा है कि फायरबोल्ट का जो वॉचेस होता है उसको जो है आप चार्जिंग के वक्त जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, बट मैंने काफ़ी ऐसा स्मार्ट वॉचेस भी देखा है जिसको जो है आप चार्जिंग के वक्त भी जो इस्तेमाल कर सकते हो एंड देखते हैं कि इसका जो कैपेसिटी है वो कैसा है। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो है मतलब थोड़ा देर तो मतलब कैरी तो कर सकता है, तो इसका जो मैग्नेटिक सेक्शन है वो जो है काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे, मतलब एटलीस्ट ठीक ठाक है। मतलब अगर आप बेड पे रखोगे तो मतलब आसानी से जो ये छूट नहीं जाएगा। ठीक है, ये इसका चीज़ है। मतलब कई कई क्या होता है ना, मतलब आप ऐसे ही रख दिए हो एंड आपका जो है वो जो पीछे से जो छूट गए, तो ऐसा नहीं होगा, मतलब बहुत जल्दी तो डेफिनेटली ऐसा होगा नहीं। इस वॉच को अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको जो दा फिट नाम का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। तो गाइस ऐप को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर जो ऐड नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो है आप अपने घड़ी को जो ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हो पहला वाला जो इनक्रेडिबल है ये दूसरा वाला वॉच है मेरा, बट यहाँ पर जो हम लोगों को जो है फायरबोल्ट का ये वाला वॉच जो है मिल गया देखने को, तो यहाँ पर आपको टैप करना है एंड ये वॉच जो है अभी आपके फ़ोन पे जो है कनेक्ट हो गया है। यहाँ से जो है आप अपने वॉच को चेक कर सकते हो एंड यहाँ पर जो है आपको सारा वॉच फीचर्स जो यहाँ पर दिखने को मिल जाएगा। यहाँ से जो आप अपना वॉच फीचर्स को जो है चेंज कर सकते हो एंड यहाँ पर जो आपको काफ़ी सारा जो है वॉच फीचर्स जो है देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो पेयरिंग रिक्वेस्ट आ गया है, तो यहाँ पर आप इसको पेयर कर सकते हो क्योंकि ये जो है एक कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, तो डेफिनेटली जो है आपको इसको पेयर करना पड़ेगा। जैसे कि जो नॉर्मल जो मतलब विदाउट कॉलिंग वाला स्मार्ट वॉचेस रहता है उसको जो आपको मतलब सभी के लिए नहीं, मतलब कुछ कुछ के लिए जो है आपको पेयर करने का जरूरत नहीं होता है, पर इसके लिए जो है आपको ये पेयर करना ही होगा। अगर आपको यहाँ पर कोई नया वॉच फेसेस डालना है जो कि पहले से जो यहाँ पर कुछ वॉच फेसेस जो है रहता है, तो अगर उसके बिना भी आपको अगर कुछ और भी वॉच फेसेस जो है चाहिए तो डेफिनेटली जो आप एप्लीकेशन की मदद से वो काम कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बाय इन बिल जो है आपको यही जो है 5 जो है वॉच फेसेस देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो आप एप्लीकेशन की इस जगह पे आके यहाँ पर जो राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा ऐड फेसेस, तो यहाँ पर आपको टैप करना है एंड यहाँ पर जो आपको काफ़ी सारा जो है वॉच फेसेस जो दिखने को मिल जाएगा जो कि फायरबोल्ट की तरफ से आता है। क्योंकि मैं फायरबोल्ट का स्मार्ट वॉच जो है काफ़ी टाइम से इस्तेमाल भी कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि फायरबोल्ट में जो है आपको काफ़ी सारा जो वॉच फेसेस देखने को मिलता है, मतलब वॉच फेसेस के नाम पर जो है आपको यहाँ पर पूरा भंडार जो देखने को मिल जाता है, काफ़ी सारा जो यहाँ पर आपको वॉच फेसेस देखने को मिलता है एंड किसी वॉच फेस को आप पकड़ के डाउनलोड करोगे तो वॉच फेस डाउनलोड हो जाने के बाद कुछ ऐसा जो है ये वॉच फेस जो आपके वॉच के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तब जो आपको अपडेटिंग करके लिखा हुआ आएगा एंड इसमें जो है आपको ऑलमोस्ट जो 1 मिनट के आसपास जो है टाइम वगैरह लगेगा, उसके बाद जो है ये आपके क्लॉक के साथ जो सिंक्रोनाइज हो जाएगा और उसके बाद जो है वो वॉच फेस जो आपके स्मार्ट वॉच के साथ कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो आप उस वॉच फेस का मसाज जो आपने स्मार्ट वॉच पे ले पाओगे, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है, तो वो वॉच फेस जो आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। पर्टिकुलरली इस वाले वॉच फेस में जो अगर आप टैप करते हो तो इसका जो कलर वगैरह जो चेंज होता है, मतलब 2 कलर के अंदर जो ये स्विच करता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो आप अपना स्मार्ट वॉच में जो है नया वॉच फेस जो लगवा सकते हो। अभी जैसे कि मैं देख सकता हूँ कुल मिलाकर जो है मेरे पास अभी जो है 6 वॉच फेस हो गया है, तो डेफिनेटली इसका जो है हर कोई वॉच फेस जो है यहाँ से आप रिमूव करके मतलब एडिट वगैरह कर सकते हो, जो कि काफ़ी सारा जो है स्मार्ट वॉचेस में नहीं होता। ठीक है, उसमें जो है आप मतलब जो
प्रीडिफाइंड आता है उसी स्मार्ट वॉच मतलब उसी वॉच फेस के साथ, बस एक वॉच फेस जो चेंज कर सकते हो, बस ऐसे इसके साथ नहीं है। सो गाइस चलो अब जो है हम लोग इस स्मार्ट वॉच का वेट चेक कर लेते हैं कि इसका जो है एक्चुअल वेट वगैरह जो है कैसा होने वाला है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका वेट जो है 54 grams है एंड आई थिंक कि ये जो है थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा वेट है। आपको ये फील डेफिनेटली हो सकता है पहले पहले हो, लेकिन रेगुलर यूज करने के बाद जो ये उतना फील नहीं होगा आपको। मैं आपको इसके साथ जो कुछ मेरा दूसरा वॉचेस भी है, ये भी आप देख सकते हैं ये भी जो है फायरबॉल का एक वॉच है एंड इसका वेट आई थिंक जो है कम हो, जिसका आप देख सकते हो ये जो है 50 grams के नीचे है, 47 grams है इसका वेट। एंड इसके साथ मेरे पास एक और भी वॉच है, आई थिंक इसका भी वेट जो है 50 के नीचे ही होगा, इसका देख सकते इसका वेट जो है 46 grams है। ठीक है, तो डेफिनेटली जो है ये वॉच जो है थोड़ा सा हैवी वेटेड है एंड ये जो है डेफिनेटली जो है आपको फील होने वाला है। गाइज यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इस वॉच को अपने फोन के साथ कनेक्ट करने के बाद ही इसका जो ऑटो लॉक का टाइम है इसको जो है आप बढ़ा के एटलीस्ट 15 या फिर 20 seconds के आसपास कर लेना, नहीं तो जो है ये जो है काफ़ी दिक्कत हो सकता है। मैंने जो इसको 30 seconds कर लिया क्योंकि मुझे जो है इतना टाइम चाहिए होता है। तो आप जो इसको अपने हिसाब से जो चेंज कर लेना, नहीं तो जो है आप इसको ऑन करोगे एंड बहुत ही फास्ट जो है बंद हो जाएगा। इसको चेंज करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है, एटलीस्ट 10 to 15 seconds आई थिंक नेसेसरी। सो गाइस इस वॉच को अपने ऐप के साथ कनेक्ट करने के बाद आपको जो इस एप्लीकेशन में काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स मिलते हैं अपने स्मार्ट वॉच को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर आपको फाइन डिवाइस टाइम फॉर्मेट देखने को मिलता है, जिससे जो आप 12 और 24 hours का टाइम फॉर्मेट लगा सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है यूनिट सिस्टम मिलता है, डू नॉट डिस्टर्ब मिलता है, रिमाइंडर्स टू मूव करने के लिए मिलता है। इसका अगर आप ऑन करोगे तो आप अगर काफ़ी टाइम से जो एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, आपका कोई मूवमेंट नहीं हुआ, तो ये घड़ी आपको बताएगा कि भाई थोड़ा जो है अपना बॉडी को हिलाओ। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर कंटिन्यूस हार्ट रेट डिटेक्शन भी आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। इससे बैटरी जो है थोड़ा ज़्यादा जो है कंज्यूम होगा, लेकिन आपको जो है मतलब टाइम टू टाइम जो आपका हार्ट रेट वॉच जो है मॉनिटर करता हुआ रहेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर जो अपना आप इससे जो अपने फोन म्यूजिक का भी जो कंट्रोल वगैरह कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पर बैटरी सेविंग का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन याद रखना इसको ऑन करने से जो है आपको आपका काफ़ी जो है एप्लीकेशन है एंड जो है बैकग्राउंड टास्क वगैरह जो है वो जो किल हो जाता है, तो डेफिनेटली जो है वो आप थोड़ा एक बार ध्यान पर रखना। उसके साथ साथ यहाँ पर जो आपको ऐप लैंग्वेज भी देखने को मिलता है, फिर यहाँ पर जो आपको ज़्यादा कोई एप्लीकेशन का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, इंग्लिश है एंड कुछ और नहीं है जो है, क्योंकि ये जो सभी जो चाइनीज़ प्रोडक्ट है एंड आपको पता ही है। ठीक है, एंड ये इसलिए जो सभी जो चाइनीज़ वगैरह ये है यहाँ पर। एंड ऑटो लॉक का फीचर्स मैंने आपको बताया, इसको जो आप पहले जो थोड़ा बढ़ा लेना। उसके साथ साथ यहाँ पर जो आपको कोई व्यू देखने को मिलता है, उसके साथ साथ आपको ड्रिंक वाटर रिमाइंडर देखने को मिलता है जो बताता है कि भाई मतलब अगर आपने काफ़ी देर तक पानी नहीं पिए हो, या फिर जैसे कि ये वाला ऑप्शन था ना यहाँ पर जो है रिमाइंडर्स टू मूव, तो ये भी आपको बताएगा कि भाई कुछ देर और मतलब बाद बार जो है आपको बताया कि भाई पानी पी लो। ऐसे करके बताता है हार्ट रेट वार्निंग, ये तभी काम करेगा जब आपका कॉन्टिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटर अगर ऑन रहेगा, तब जो है ये वाला ऑप्शन भी आपका काम करने लग जाएगा कि हार्ट रेट वार्निंग। उसके साथ साथ यहाँ पर जो आपको वेदर का भी फीचर देखने को मिलता है, यहाँ पर आप अपना एड्रेस एंड जो है मतलब टेम्परेचर जो है चेंज कर सकते हो, मतलब उसका जो यूनिट है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो आपको साइकोलॉजिकल साइकिल रिमाइंडर भी देखने को मिलता है, ठीक है, जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके साथ आपको जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको हेल्थ रिलेटेड ऑप्शन जो है मिल जाता है। सो गाइस अगर आप ये वॉच पहनते हो तो इन हैंड ये वॉच जो आपको कुछ ऐसा फीलिंग्स देगा। ठीक है, ये वाला जो है बैक बटन की तरह काम करता है, यहाँ पर जो ये वाला जो है ये टच करने पर जो इसका कलर वगैरह जो चेंज होता है। ठीक है, एंड इस साइड में जो आपको रिसेंट कॉल्स वगैरह डायल पैड वगैरह देखने को मिलते हैं, कॉन्टैक्ट्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पर जो आप अपने फोन के साथ कुछ कॉन्टैक्ट्स वगैरह भी डाल सकते हो। ठीक है, मैं नॉर्मली जो इसमें उतना कॉन्टैक्ट्स वगैरह डालने का कोशिश नहीं करता क्योंकि ये जो डेफिनेटली चाइनीज कंपनी है। उसके साथ साथ जो है यहाँ पर आपको वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर आप टैप करते हो तो ये जो आपके फोन से जो है वो रिजल्ट वगैरह दे देगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप टैप करते हैं बोलते हो कि व्हाट इज द वेदर राइट नाउ, तो आप देख सकते हो मेरे वॉच में जो ये मतलब फोन में जो दिखना चालू हो गया, बट वॉच में जो है आपको कोई साउंड वगैरह जो सुनने को नहीं मिलेगा। उसके साथ यहाँ पर जो आपको अपना हार्ट रेट सेंसर भी देखने को मिलता है जो आपका हार्ट रेट को मॉनिटर करता है, ये जो है कंटिन्यूस मॉनिटर कर सकता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ये जो कुछ देर बाद ही जो है हम लोगों को जो अपना BPM बता देगा, आई होप, जिसका आप देख सकते हो थोड़ा बहुत टाइम लिया, लेकिन उसके बाद जो ये अपना हम लोगों का जो है अपना हार्ट रेट बता दिया। नीचे भी आपको कुछ और भी डेटा देखने को मिलता है, जिससे जो आप पता लगा सकते हो आपका हार्ट रेट जो कैसा है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो आपका SPO2 भी देखने को मिल जाता है एंड वाइब्रेशन की तरह ये बता देता है कि भाई ये जो है अभी जो आपका जो SPO2 है उसको जो रीडिंग ले रहा है। ठीक है, एक बार वाइब्रेट किया आपका वॉच, अभी ये जो बता रहा कि 96% जो है मेरा जो है SPO2 वगैरह है। तो डेफिनेटली ये जो है मतलब उतना हाई एक्यूरेट तो नहीं होता, लेकिन हाँ इससे आप एक आइडिया वगैरह जो लगा सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर जो आपको अपना म्यूजिक प्लेयर भी देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो आप कुछ और कंपोनेंट्स भी जो ऐड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है आप यहाँ पर वेदर ऐड कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पर जो आप अपना ट्रैकिंग एक्सट्रा, ये जो है बेसिकली आई थिंक शिप ट्रैक है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर जो है आप अपना एक्टिविटीज़ को भी जो है यहाँ पर ऐड वगैरह कर सकते हो। देखो बेसिकली जो है ज़्यादा जितना जो सॉफ्टवेयर्स का मतलब जितना भी जो है फंक्शन वगैरह है वो जो है सब कुछ जो है सही सा ही है, मतलब एकदम सेम टू सेम है, बट ये रोटेशन काउंट वाला रोटेशन बटन जो है अभी जो है वर्क करना बंद कर दिया है। मतलब नए वाले वॉचेस
इसमें जो है इसने ये फीचर्स जो है बंद कर दिया है। बाकी जो है आपको सब जो है सही सही देखने को मिल रहा है एंड सब कुछ जो है ऑलमोस्ट सही से काम भी कर रहा है। ऊपर से जो है अगर आप होम पोजीशन पे आते हो तो ऊपर से जो है आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलता है जहाँ पर आप अपना कॉल को जो है ऑन ऑफ कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पर जो आपके स्पीकर में कोई पानी वगैरह आते थे तो इसको टैप करने के बाद जो है स्पीकर में थोड़ा वाइब्रेशन वगैरह होगा एंड उससे जो आप अपना पानी वगैरह को निकाल सकते हो। यहाँ पर जो आपको ब्राइटनेस देखने को मिलता है एंड इसका ब्राइटनेस जो है ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही मैं कहूँगा। ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं है एंड काफ़ी बुरा भी नहीं है। ठीक है, ठीक ठाक है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो यहाँ पर हनीकॉम वाला डिज़ाइन सेलेक्ट किया हुआ है, आप लिस्ट भी कर सकते हो तो ये लिस्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो काफ़ी वॉचेस में डबल टैप करने से जो है ये वाला चेंज होता है लेकिन इसमें जो ये चेंज होता नहीं है। ठीक है, एंड उसके साथ साथ यहाँ पर आप ग्लाइड भी लगा सकते हो जो कुछ जो है इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो आई होप जो है आई थिंक सबसे बेटर जो है हनीकॉम वाला ही लगता है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग जो है काफ़ी पसंद भी करता है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो टॉर्च होता है जो कि अपने स्किन को जो थोड़ा लिटअप कर देता है एंड इससे आप चेक भी कर सकते हो कि आपके स्किन में कोई मतलब डिफिकल्टीज या फिर कोई प्रॉब्लम वगैरह है कि नहीं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो आपको सेटिंग्स का भी ऑप्शन देखने को मिलता है जो आपको डिस्प्ले, ब्राइटनेस, ऑटो स्लीप, फेस वॉश, ये सब कुछ आप यहाँ से चेक कर सकते हो। यहाँ पर जो है क्विक व्यू भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ यहाँ पर जो आपको वाइब्रेशन रिंग देखने को मिलता है, DND मोड देखने को मिलता है, फोन मोड देखने को मिलता है, लो पावर मोड देखने को मिलता है, फोन रिसेट देखने को मिलता है, सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, सिस्टम में जो आपको रिसेट वगैरह पावर ऑफ करने का जो है ऑप्शन वगैरह देखने को जो मिल जाता है। तो अगर मैं इसका एक्टिविटीज़ के बारे में बात करूँ तो इसमें जो है आपको काफ़ी सारा जो एक्टिविटीज़ जो है देखने को मिल जाता है। ठीक है, जो कि आपको जो है कुछ इस जगह से देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो वॉकिंग एंड काफ़ी सारा जो एक्टिविटीज़ यहाँ पर है आप देख सकते हो, वॉकिंग वगैरह है जो कि आप इस काउंटडाउन वगैरह होगा उसके बाद जो ये स्टार्ट करना चालू कर देगा। ठीक है, ये कितना देर तक आपका कितना कैलोरीज वगैरह गया, कितना हार्ट रेट वगैरह हुआ, ठीक है, तो ये सब कुछ जो है स्टार्ट करना काउंट करना चालू कर देता है जिसको हम लोग स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, तो उसके साथ साथ यहाँ पर जो आपको काफ़ी सारा जो है आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलता है जो आपका स्पोर्ट्स मोड है। ठीक है, तो स्पोर्ट मोड जो है सभी वॉचेस में भी एकदम पूरा भर भर के दिया जाता है, इसमें भी जो है भर भर के दिया गया है एंड उसके बाद जो आपको यहाँ पर पास बटन देखने को मिलता है जिससे जो है आप और भी स्पोर्ट्स मोड को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। मैंने शायद अभी मतलब कभी भी शायद इसका 4 से 5 स्पोर्ट मोड भी जो इस्तेमाल नहीं किया हुआ रहेगा लेकिन इसमें जो है आपको काफ़ी भर भर का जो स्पोर्ट्स मोड दिया गया है। मुझे नहीं पता कि कौन लोग इस्तेमाल करते, नॉर्मली जो है सभी लोग जो है रनिंग एंड वॉकिंग वाला ही जो है इस्तेमाल करता है, कुछ लोग शायद स्विमिंग वगैरह भी करेगा लेकिन आई होप जो स्विमिंग वाला करता होगा वो शायद ऐसे 1000-1500 के वॉचेस में वो नहीं करता होगा। तो गाइस अब जो है मैं ये टेस्ट करने वाला हूँ इस वॉच का जो पल्स ऑक्सीमीटर एंड SpO2 सेंसर है वो जो है कितने एक्यूरेटली जो है काम वगैरह करता है, उसके लिए जो है मैं यहाँ पर एक पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये जो है डॉक्टर मॉर्फिन का पल्स ऑक्सीमीटर है तो हम लोग जो इसको एक अच्छा पल्स ऑक्सीमीटर मान सकते हैं। तो चलो इसको इससे मैच करके देखते हैं कि गाइस जो रिजल्ट है हम लोग को कैसा देखने को मिलता है। तो पहले मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि वॉच में जो है थोड़ा सा टाइम लेता है रीडिंग को कैलकुलेट करने में एंड आपको जो है यहाँ पर पल्स ऑक्सीमीटर का रीडिंग भी जो है दिखने को मिल जाएगा, इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि गाइस किसमें जो है कैसा रीडिंग वगैरह जो है अभी शो करेगा। जैसे कि गाइस आप देख सकते हो पल्स ऑक्सीमीटर पे जो 114 शो कर रहा है, नहीं ऑलमोस्ट जो अभी जो है दोनों पे जो है सिमिलर साइज शो कर रहा है जैसे कि आप देख सकते हो। तो आई होप कि ये जो है मतलब ऑलमोस्ट जो सही सही काम कर रहा है, अभी जो है 110 आए वहाँ पर जो 114 दिखा रहा है तो ऑलमोस्ट जो है सिमिलर सा ही है। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जो है कॉन्टिन्यूसली ट्रैक करता रहता है, जैसे कि अभी आप देख सकते कुछ देर पहले जो 111 ही था अभी फिर से ये पास ऑफ मेरा जो 115 पे चल गया। ठीक है, एंड अभी जो है ये भी थोड़ा 112 पे आया है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप मान सकते हो कि सिमिलर सा ही है। ठीक है, तो उसके बाद जो अब हम लोग जो इसका SpO2 मॉनिटर को जो एक बार चेक करने वाले हैं। ठीक है, ये इसके SpO2 जो है हम लोग को क्या रीडिंग देने वाला है। ठीक है, तो चलो इसके SpO2 भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो 97% बता रहा है, यहाँ पर जो 98% बता रहा है, तो ऑलमोस्ट जो है सिमिलर सा ही रीडिंग है। ठीक है, 1% के इधर उधर है बट 95 के अगर नीचे चले गया तो भाई दिक्कत है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैं देख सकता हूँ अभी जो यहाँ पर जो 99 भी हो गया है, ये जो 97 पे अटका हुआ है। ठीक है, तो बेटर जो आप इसको एक आइडिया लगाने के लिए डेफिनेटली जो इस्तेमाल वगैरह कर सकते हो। ठीक है, 100 यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी 100 नहीं है, ये जो है 97 से जो इधर उधर जा भी नहीं रहा, तो इसको फिर से एक बार जो हम लोग रीटेस्ट करते हैं एंड देखते हैं कि ये जो है क्या बताता है। तो अब जो ये फिर से वही देख रहा है, तो इसको हम लोग फिर से एक बार लगा के देखते हैं कि अब जो ये 98 दिखा रहा है तो इसको भी एक बार लगा देते हैं एंड चेक करते हैं कि गाइस अब जो है इसमें क्या डिफरेंस वगैरह आ रहा है। ठीक है,
तो अब जो है ये 98 पे अटका हुआ है, ये इसका जो ये फ्लैक्चुएट नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड ये जो अभी भी 98 दिखा रहा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो दोनों में जो है काफ़ी जो है सिमिलर सा हो रहा है, ये भी 98 बता रहा है एंड ये भी 98 बता रहा है, ठीक है। तो इसका जो है रीडिंग्स जो है काफ़ी ऑलमोस्ट काफ़ी एक्यूरेट है, एक दो के इधर उधर चल रहा है, ठीक है। बट पल्स ऑक्सीमीटर का जो है एक दो के इधर उधर भी जो है काफ़ी हेरफेर हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है काफ़ी सही सही चल रहा है। एंड अगर आप सेंसर्स के बारे में बात करें तो इसमें जो है आपको काफ़ी सारा जो है सेंसर्स देखने को मिलता है। इसमें जो अगर आप बॉडी टेम्परेचर सेंसर भी होता तो जो जो है काफ़ी बढ़िया होता। तो गाइस अगर आप इसका स्पीकर का क्वालिटी कॉल के वक्त आपको जो है कितना लाउडनेस देखने को मिलेगा अगर आपको वो जानना है तो मैं आपको जो है वो अभी सुना रहा हूं, ठीक है। तो आपको जो है अभी आप देख सकते हो कॉल जो है रनिंग है एंड कॉल के वक्त जो है आपको कुछ इस तरीके से जो है आपका साउंड मिलने वाला है, ठीक है। तो आप सुनते रहो, मैं जो है थोड़ी देर बाद जो है इसको मतलब इसका डिस्टेंस जो है थोड़ा बढ़ाते हुआ रहूँगा तो आपको जो है बेटर आइडिया मिल जाएगा। तो गाइस जैसे कि आप सुन सकते हो आपकी जो है ये आवाज जो है डायरेक्टली आपके स्मार्ट वॉच से आ रहा है, मतलब ये स्मार्ट वॉच के स्मार्ट वॉच से आ रहा है। और अभी जो है मेरा माइक जो है ऑलमोस्ट मतलब स्मार्ट वॉच के सामने है, तो आपको मेरा आइडिया मिल रहा है कि कैसे जो है ये साउंड वगैरह को रिकॉर्ड वगैरह कर रहा है। अब जो है मैं इस माइक को थोड़ा थोड़ा करके जो है मतलब गेम पे ला रहा हूँ, तो आपको मेरा आइडिया मिल जाएगा कि आप इसमें अपने गाने वगैरह सुनना चाहते हो तो वो भी जो है आप काम कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है मैं एक इंसियस के कॉपीराइट वाला सॉन्ग जो प्ले कर रहा हूँ, ठीक है, कार्टून। तो चलो देखते हैं कि वो जो गाना इसमें कैसे प्ले होता है, उससे जो है आपको इसका स्पीकर का भी जो साउंड मतलब आइडिया वगैरह जो लग जाएगा, ठीक है। तो अभी जो आप देख सकते हो जो गाना प्ले हो रहा है, ठीक है, वो जो है डायरेक्टली आपके साउंड से प्ले हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको कह दूँ इसका जो नॉर्मल साउंड अगर आप इसको इसमें गाने वगैरह भी सुनते हो एंड अपने लिए सुनते हो तो डेफिनेटली इसका जो स्पीकर है मतलब ठीक ठाक है, ठीक है। मतलब बहुत अच्छा भी नहीं, उतना क्लियरिटी आपको डेफिनेटली नहीं मिलने वाला है, बट हाँ ओके ही से, ठीक है। आपको गाना सुनने को तो मिलेगा, मतलब साउंड सुनने को मिलेगा, ठीक है, ये आप मान के चलो। तो ऐसा नहीं कि आपको सुनने को ही नहीं मिल रहा है, मतलब इतना लाउड है, ठीक है, आपको साउंड जो है सुनने को मिलेगा, उतना मज़ा तो नहीं आएगा डेफिनेटली, बट आपको जो है गाना सुनने को मिलेगा, ठीक है, ये जो है, ठीक है। तो साउंड जो है ठीक ठाक ही आ रहा है, ठीक है, उतना कोई दिक्कत जो है नहीं हो रहा है, ठीक है। इसे अगर पूरा कवर कर देते हो तो इसका जो साउंड एकदम ही ब्लॉक हो जाता है, ऑलमोस्ट आपको सुनाई नहीं देगा तब, पर इसको खोलते हो तो साउंड जो है काफ़ी जो है लाउडनेस में सुनाई देता है, ठीक है। इसको जो है आप अपने गाने को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड भी जो है ला सकते हो, ठीक है, ये जो है वो जो है बढ़िया तरीके से जो है काम वगैरह करते हैं, जैसे आप देख सकते हो, ठीक है। हम लोग जो इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड करने में जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं वो वाला। एंड इसमें जो हम लोग इसको प्ले पॉज भी कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हो ये जो है प्ले पॉज दोनों ही जो है ठीक ठाक जो है काम कर रहा है, ठीक है। बट इससे जो है एक ही चीज़ है, आप जो इससे अपना वॉल्यूम को जो है कंट्रोल नहीं कर पाओगे। सो गाइस अगर आपको जानना है कि इससे जो अगर आप कॉल वगैरह करते हो तो आपका जो है कॉल जो है कैसा रिकॉर्डिंग वगैरह होगा एंड दूसरे बंदे को जो है कैसा आपको साउंड जो है सुनने को मिलेगा, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। बट पहले कॉलिंग के वक्त ये श्योर हो लेना कि इसमें जो आपका जो म्यूट का बटन है वो जो है हाईलाइटेड हो। अगर ये वाला ऑप्शन अगर आप टैप करते हो तो आप देख सकते हो म्यूट वाला जो बटन है जो है बंद हो गया। इसका मतलब जो अभी जो है कॉल आपके फ़ोन से चल रहा है, ना कि आपके स्मार्ट वॉच से चल रहा है, ठीक है। तो इसको एक बार जो मिडिल वाला बटन है इसको दबा देना, इससे जो आप अपना कॉल को जो फिर से जो अपने स्मार्ट वॉच पर ट्रांसफर कर सकते हो। एंड अभी जो आवाज आप सुन रहे हो ये जो डायरेक्टली आपके स्मार्ट वॉच से रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट दूसरे बंदे को जो कुछ किस तरीके का जो है आवाज सुनने को मिलेगा, जितने भी कौन सी कॉल में आवाज जो है थोड़ा बेटर होगा। मैं जो है यहाँ पर 4G डिवाइस से 1 GB डिवाइस में कॉल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इससे जो है आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे जो है आपका साउंड जो है मतलब अगर दूसरे बंदे तक वहाँ 4G ना हो, मतलब VoLTE ना हो, मतलब जो 1G वॉइस होता है वो अगर ऑन ना हो, तो देखने में जो है वो जो किस किस तरीके का आवाज जो है वो दूसरे बंदे के पास जो सुनने को मिलेगा। ऐसे नहीं कि गाइस जो है आवाज आपको एकदम मतलब सुना ही नहीं देगा, डेफिनेटली उसको जो दिक्कत तो होगा, बस वो जो है मतलब समझ पा रहे कि आप क्या बोलने का कोशिश कर रहे हो, सेम चीज आपको आपका माइक से आपको सुनने को मिलेगा।
सो गाइस आई होप अभी जो है आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल चुका होगा कि कॉलिंग का वर्क जो है आपको कैसा क्वालिटी कॉलिंग का मिलने वाला है एंड दूसरे बंदे को भी जो है कैसा वॉइस जो है सुनने को मिलेगा। सो गाइस मुझे जो इसका एक और चीज़ भी चेक करना है, अगर मैं इसको अभी इसका पल्स मीटर जो है चेक करता हूं तो ये जो है क्या देता है मुझे वो रीडिंग एक बार देखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो बता रहा है कि गाइस आप जो है अपने घड़ी को जो है थोड़ा पहनो तभी जाकर जो ये काम वगैरह करेगा। मैं इसको फिर से एक बार जो है टेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा प्रेस करके एंड देखते हैं कि ये जब उसके बाद जो रीडिंग वगैरह देता है कि नहीं। तो आई होप कि ये जो है ये अभी जो है ये रीडिंग लेना चालू किया, नहीं ये रीडिंग नहीं ले रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है इसको हम लोग एक बार इसके SPO2 को एक बार चेक करके देखते हैं कि नहीं ये भी जो है रीडिंग नहीं ले रहा है। तो जो है ये एटली डिटेक्ट कर पा रहा है कि इसमें जो है कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। पहले जो रिंग थ्री करके जो वॉच आता था एंड अभी जो है रिंग थ्री करके वॉच आ रहा है, इसमें जो है काफ़ी जो है डाउनग्रेड आया है एंड इसमें जो है ये रिंग भी जो है काम नहीं करता गाइस, ठीक है। तो ये आप जो है ध्यान पे रखना। तो अगर अभी कोई मतलब फायरबोल्ट रिंग थ्री का यूट्यूब का वीडियोस देख के इस घड़ी को खरीद रहा है तो डेफिनेटली उसको जो है ये रिंग वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। रिंग थ्री जो है पहले वाला जो रिंग थ्री था एंड ये वाला जो रिंग थ्री है दिखने में काफ़ी सारा जो है सिमिलर सा है, डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा सिमिलर सा है। इसका बॉडी जो है काफ़ी सिमिलर है लेकिन इसका स्ट्रैप जो है डिफरेंट है। आप बहुत आसानी से किसी भी यूट्यूब में पुराना वीडियो आप देख सकते हो रिंग थ्री का, उससे जो है आप ये पता लगा सकते हो। पर अगर आप उसको उतना ध्यान में नहीं देते हो तो डेफिनेटली गाइस ये जो है एक अच्छा स्मार्ट वॉच है, मतलब 1500 रुपये के अंदर आने वाला एक अच्छा ही स्मार्ट वॉच है, ठीक है। मतलब उतना भी मैं इसको कोई मतलब रेटिंग बुरा नहीं दूंगा। सो गाइस आई होप यहाँ तक वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि अगर आप फायरबोल्ट रिंग 3 अभी इस सिचुएशन पे खरीदते हो तो आपको जो है कैसा ये वॉच जो है मिलने वाला है एंड ये वॉच जो है काफ़ी जो है एप्पल वॉच से मिलता जुलता है, ठीक है, ऑलमोस्ट जो मिलता जुलता है। एंड मुझे जो है इसका कॉलिंग क्वालिटी उतना भी कुछ खास लगा नहीं, ठीक है, मैं आपको एकदम फ्रेंकली बोल रहा हूँ, ठीक है, मुझे जो है उतना खास लगा नहीं। बट हाँ आप कॉलिंग कर सकते हो, ऐसा भी नहीं है, बट मैं तो कहूँगा कि भाई देखो कभी जो सेल वगैरह जब आता है तो इस प्राइस रेंज पे ही नॉर्मली जो 1500 रुपये के आसपास मिलता है, 1300 से जो है 1500 रुपये के आसपास जो आपको मिल जाएगा। बट जब सेल वगैरह चलते हैं जैसे कि अभी भी जो है समर सेल चल रहा है, इस सेल के अंदर जो आपको ऑलमोस्ट 1000 रुपये के आसपास जो इससे काफ़ी बेटर वाला जो है स्मार्ट वॉचेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप ऐसे सेल पे खरीदने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आई थिंक जो है इससे कम प्राइस में आपको इससे कई गुना बेटर वाला स्मार्ट वॉच जो आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस स्मार्ट वॉच में भी जो है आपको नीचे की ओर काफ़ी मोटा बेजल देखने को मिलता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानकारी मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करना एंड गाइस मैं यहाँ पर जो इसका रिलेटेड एक दूसरा वीडियो भी बनाऊंगा, तो डेफिनेटली गाइस वो वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखना क्योंकि वो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है फायरबोल्ट कंपनी के लिए, मतलब फायरबोल्ट कंपनी से रिलेटेड वो वीडियो होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो से काफ़ी कुछ जानकारी मिला होगा एंड अगर कोई वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करना, हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम लोग जो ऐसे बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा बनाते रहते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड सत्यमेव जयते।